चिकू की मम्मी दूर की कि आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि यहाँ पे नुपुर चिकू से कहती है कि तुम यहीं पे रुको, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आती हूँ। तो यहाँ से नुपुर चले जाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसकी मुँह बोली माँ अपने एक लड़के को भेजती है उसे लेकर आने के लिए। तो यहाँ पे वो जाता है और चिकू को उठाकर लेकर आ जाता है। तभी यहाँ पे उसकी माँ उसे देख कर कहती है कि तुम वहाँ पे क्या कर रही थी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि बिना पूछे कहीं मत जाया करो। यहाँ पे इसकी माँ बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है और यहाँ पे जो नुपुर है वो भी आती तो देखती है कि चिकू है ही नहीं। तभी वो कहती है कि कोई बात नहीं पर हम लोग जल्दी मिलेंगे, और वो ये बात कह के यहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे जो चिकू है वो अपनी माँ से सॉरी कहती है। वो कहती है कि मैंने ये सब कुछ आपके लिए ही किया था, मुझे घुंघरू देना था इसलिए घुंघरू देने गई थी, अब मैं काम अच्छे से कर सकती हूँ। फिर भी यहाँ पे ये बहुत बार प्रोसेस करती है माँ को मनाने के लिए, पर यहाँ पे वो माफ़ नहीं करती और कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, और वो गुस्से में ही चली जाती है। तभी हम दूसरी तरफ देखेंगे कि यहाँ पे नुपुर सारे बच्चे को अपने घर पे ही बुला ली होती है डांस सिखाने के लिए, और यहाँ पे वो डांस सिखा भी रही होती है। तभी उसी टाइम इसके सास और इनकी जो जेठानी और इसके हस्बैंड ये सब लोग आ जाते हैं। और यहाँ पे जब इसकी सास देखती है कि ये डांस सिखा रही थी, इन्हें बहुत बुरा लगता है और वो इससे कहती है कि तुमने मेरा बात को अनादर किया, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानी। यहाँ पे उसकी माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और नुपुर समझाने की कोशिश करती है कि मैं ये सब कुछ अपने लिए ही कर रही हूँ, कि मैं करूँगी तो हो सकता है कि मैं अपनी बेटी को ढूंढ पाऊँ। तभी यहाँ पे जो इसकी माँ वो कहती है कि वो जा चुकी है, वो मिलने वाली नहीं है, और तुम यहाँ पे इसी की वजह से हमारी फैमिली को के साथ ये सब कुछ हुआ है। यहाँ पे इसकी माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। तभी उनका अचानक से तबीयत खराब होने लगता है। तभी यहाँ पे ये सब लोग संभालते हैं, इसे डॉक्टर को बुलाया जाता है। तो डॉक्टर चेकअप करने के बाद कहते हैं कि इनका ध्यान रखिए नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तभी यहाँ पे जो नुपुर के हस्बैंड मिले नहीं, वो कहते हैं कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम आज के बाद डांस वगैरह नहीं करोगी। तभी यहाँ पे उसे प्रॉमिस करना पड़ता है और वो कर भी देती है। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे जो चीकू है वो अपनी माँ को मनाने के लिए एक बहुत ही अच्छा डांस करती है, डांस कर रही होती है कि माँ मान जाए। तभी उसकी माँ मान तो जाती है, पर वो कहती है कि प्रॉमिस करो कि तुम उस औरत से कभी नहीं मिलोगी, और वो प्रॉमिस भी कर देती है। तभी यहाँ पे जो नुपुर है वो सोचती है कि मुझे कैसे भी चीकू और उसके बच्चे को हेल्प करना ही पड़ेगा, उसकी माँ तक पहुँचाना ही पड़ेगा। और तभी यहाँ पे वो यहाँ पे टीवी चल रहा होता है, तो यहाँ पे गणेश उत्सव का दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे चीकू रहती है वहीं का। तभी यहाँ पे चीकू भी और यहाँ से बाहर निकलती है तो देखती है कि यहाँ पे गणेश उत्सव हो रहा है, और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और यहीं पे कहा जाता है कि एक कॉम्पिटिशन होने वाला है जिसमें 1 लाख जीतने पे मिल सकता है। तब तो चीकू सोचती है कि पार्टिसिपेट करने के लिए। और यहाँ पे जो इसकी मुँह बोली माँ है वो कह रही होती है कि ये सारे बच्चे मेरे ही है। तभी इसका अपना ही आत्मा आ जाता है और कहता है कि ये बच्चे तुम्हारे, तुम कहाँ कहाँ से इस बच्चे को किडनैप करके लाई हो, ये तो तुम्हें भी पता नहीं होगा, और तुम कब से इसे ममता दिखा रही हो। तो यहाँ पे वो उसे समझा रही होती है कि तुमने बहुत गलत किया, पर वो मानने के लिए रेडी नहीं होती है। वो कहती है कि ये बच्चे मेरे हैं तो मेरे ही है। तो बस आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको कैसा लगा जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर।